नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे 6 अगस्त 2020 के उपाय की। आप जानते हैं आज गुरुवार का दिन है और आज रात गुरुवार का दिन है, यानी आज रात को यदि आप यह उपाय कर लें तो धन की प्राप्ति होगी और उसी के साथ साथ सुख शांति बढ़ेगा, दुख दूर होंगे, परिवार में बहुत अधिक प्रेम बढ़ेगा। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चलता है, जो कहते हैं नौकरी नहीं अच्छे ढंग से मिल रही है, पैसा आता है रुकता नहीं है, उन सब के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अपने गुरु का आशीष चाहते हैं, जो परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहते हैं, उनके लिए भी आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज रात को करीब 7 बजे के बाद आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। एक नारियल ले लीजिए और नारियल को परमात्मा के श्री चरणों में रख दीजिए और फिर अगले दिन उस नारियल को खाना नहीं है, फोड़ना नहीं है, या तो किसी धर्मशाला में चढ़ा दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। ये दो ऑप्शन ही हैं, या जल प्रवाह करेंगे या किसी धर्मशाला में चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार आपको बहुत अधिक विशेष शक्तियों का प्राप्ति होगी। आज पूरा दिन है आपके पास, नारियल खरीद लीजिए, एक नारियल, मात्र एक नारियल आपने चढ़ाना है, जिससे आपको बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्मपत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्मपत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।